दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल घूमी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सई और पत्रलेखा के बीच में होगा बड़ा ड्रामा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा पत्रलेखा नशे में काफ़ी कुछ कह जाती हैं, तो दूसरी तरफ विराट और सई दोनों ही काफ़ी परेशान होते हैं। विराट को लगता है कि वो अब उसको ज़िंदगी में नहीं आने देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे प्यार का एहसास हो रहा है कि कहीं सच में वो सई को वापस अपनी ज़िंदगी में तो नहीं ला रहा। तो दूसरी तरफ से ये भी यही सोचती है कि यह तुम्हारे पास बीच अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन सई अब फैसला कर जाती है कि वो सभी के सारे सवालों के जवाब देगी, क्योंकि सभी बार बार अब यही पूछ रही होती है कि उसके बाबा कहाँ मिलेंगे, उसके पास फोटोज़ क्यों नहीं है, और उसके सवालों के जवाब उसे के पास नहीं होते, इसलिए वो ठान चुकी होती कि वो जल्दी ही बताएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है अब विनायक जो कि स्कूल जाता है, और विनायक को वहाँ पर बच्चे चिढ़ाते नजर आते हैं कि तुम भाग नहीं पाओगे ये वो, और विराट पहुँचता है और उसे वापस से ट्रेनिंग के लिए सई के पास छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ देखने को मिलता है विराट से एक बार फिर से उसी के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर सई देखने को मिलेगा कि किस तरह से विनायक अब घर से गायब हो जाएगा, और यहाँ पर विराट को लगेगा कि शायद उसे अनाथ होने का सच पता चल चुका है। तो दूसरी तरफ पत्रलेखा अब यहाँ पर विराट और सई को साथ में देकर बुरी तरह से सही पर भड़कते नजर आएंगे कि उसकी ज़िंदगी में वो वापस आने की बिल्कुल भी गलती ना करें। लेकिन सही अब यहाँ पर ठान चुकी है कि वो सभी को सच बता के रहेगी कि उसके बाबा कोई और नहीं विराट ही हैं, और इसी बात से पत्रलेखा के होश उड़ जाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर विनायक भी कहीं ना कहीं अब पत्रलेखा का बच्चा नहीं है, इसी बात से पत्रलेखा बुरी तरह से डर चुकी है कि कहीं विराट और सही उसका साथ फिर से ना छूट जाए, इसीलिए वो सही को दूर रहने की दाय देती है। लेकिन सही उसे धमकी देती है, यानी कि उसे साफ कहते नजर आती कि वो अपनी बच्ची को अंधेरे में नहीं रखेगी और उसके सवालों के जवाब उससे देके रहेगी, और विराट ही उसके बाबा हैं। जिसके बाद देखने को मिलता है कि सभी खुद ही ये सब कुछ सुन लेती हैं और विराट भी सुन लेता है, और यहाँ पर अब आएगा नया तूफान।